हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जो है एसटीईटी कंप्यूटर और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, फ्रॉम विच फंक्शन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, कौन से फंक्शन से जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स्टार्ट फंक्शन, ऑप्शन बी है मेन फंक्शन, ऑप्शन सी है न्यू फंक्शन, ऑप्शन डी है इंड फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन है, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क का। यहाँ पे पूछ रहा है कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, यानी कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो किस चीज़ का जो है गुड एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का, या फिर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड का। ठीक है, और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का जो है वो गुड एग्जाम्पल है। ओके, तो आइए देखते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में जो है डेटा जो है सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में फॉलो करता है, फ्लो करता है। ठीक है, द कीबोर्ड सेंड्स इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर बट डज नॉट रिसीव डेटा फ्रॉम इट। तो कीबोर्ड जो क्या करता है, इनपुट डेटा कंप्यूटर को सेंड करता है, लेकिन कीबोर्ड जो है डेटा रिसीव नहीं करता है। तो यही जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देयर फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर एंड बिटवीन द कंप्यूटर एंड द मॉनिटर इज यूनिडायरेक्शनल फिटिंग द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, तो हो गया क्लियर कि कीबोर्ड और मॉनिटर जो है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो डेटा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है। अब है सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो किस चीज़ के बेसिस पे आधारित रहता है, ऑप्शन ए है मल्टीपल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है लार्जर मेमोरी साइज्ड सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीपीयू शेड्यूलिंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है वो आधारित रहता है। अब है द स्विचिंग ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस और थ्रेड टू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, द स्विचिंग ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस और थ्रेड टू अनदर। ठीक है, सीपीयू को जो है एक प्रोसेस से या फिर दूसरे थ्रेड में जो है स्विच करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है प्रोसेस स्विच, ऑप्शन बी है टास्क स्विच, ऑप्शन सी है कॉन्टेक्स्ट स्विच, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, अब है व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच लेटेंसी जो है वो क्या होता है, ऑप्शन ए है द स्पीड ऑफ डिस्पैचिंग ए प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू द रेडी स्टेट। ठीक है, स्पीड ऑफ डिस्पैचिंग ए प्रोसेस को रनिंग से रेडी स्टेट में भेजना। दूसरा है द टाइम, जो टाइम लगता है डिस्पैचिंग करने में एक प्रोसेस को रनिंग से रेडी स्टेट में करना और सीपीयू को आइडल करने में। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है वो समय लगना जो एक प्रोसेस को स्टॉप करता है और अनदर प्रोसेस को जो है रन करता है, तो वो टाइम लगना।
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्पैच लेटेंसी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि वो समय जो एक प्रोसेस स्टॉप होता है और दूसरा प्रोसेस को जो है स्टार्ट किया जाता है उसे ही जो है डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस को स्टॉप करने में जो समय लगता है और दूसरे प्रोसेस को जो है स्टार्ट किया जाता है, दूसरे प्रोसेस को जो है रन किया जाता है, वो जो समय लगता है उसे ही जो है डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है। अब है हाउ मैनी वेज ऑफ पासिंग ए पैरामीटर आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है कितने तरीके से जो है दोस्तों पैरामीटर को पास करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है कितने तरीके से पैरामीटर को पास करते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक तरीके से, ऑप्शन बी है दो तरीके से, ऑप्शन सी है तीन तरीके से, ऑप्शन डी है चार तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तीन तरीके से। यानी कि सी प्लस प्लस में जो है पैरामीटर्स को तीन तरीके से पास किया जाता है। ठीक है, यानी कि सी प्लस प्लस में जो है पैरामीटर्स को तीन तरीके से पास किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कौन कौन सा तरीका है। पहला है पास बाय वैल्यू, दूसरा है पास बाय रेफरेंस, तीसरा है पास बाय पॉइंटर। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में जो है पैरामीटर्स को जो तीन तरीके से पास किया जाता है वो तीनों तरीका का नाम है। पहला है पास बाय वैल्यू, दूसरा है पास बाय रेफरेंस और तीसरा है पास बाय पॉइंटर। ओके, तो आज के सेशन को जो है यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, और दोस्तों जिन्हें जीके जीएस का क्लास करना है वो जीके जीएस भी देख सकते हैं, बीपीएससी आधारित जीके जीएस हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं जीके जीएस। और साथ में बीपीएससी के अन्य एग्जाम जो हुए हैं क्लास 6 to 8, 6 to 10, 9, 10, तो इस सारे सेशन के जो है हम क्वेश्चन अभी अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है जीके जीएस का जो सेक्शन है आप वहाँ से उसको कवर कर लें। ठीक है, पूरा नहीं वीडियो देखना है, जहाँ पे जीके जीएस डिस्कस कर रहे हैं वो जो 40 नंबर का जीके पूछा गया है उसको आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।